नमस्ते, आई एम डॉक्टर हेमराज, आई एम अ वेलनेस कंसल्टेंट। आज हम एक प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इम्यूनो 3 प्लस। जैसे इसके नाम से ही क्लियर है, इम्यूनो मीन्स ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, थ्री मीन्स इसके जो है 3 घटक हैं या 3 कंटेंट है, वो हैं हरड, बहेड़ा और आंवला। आयुर्वेद में हरड, बहेड़ा और आंवला को त्रिफला बताया गया है। आयुर्वेद में इसके बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आयुर्वेदा में इसको नित्य रसायन बताया गया है। नित्य मीन्स रोज़ लेने वाला, और रसायन मीन्स अगर हम प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखते हैं, रसायन मीन्स एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत सारी बीमारियों से बचने में हमें हेल्प करता है। तो आज हम त्रिफला के फ़ायदे देखते हैं कि त्रिफला के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट है, ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। आयुर्वेद में कहा गया है अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी है, हमारा डाइजेशन अच्छा है, तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं। अगर हमारी पाचन क्रिया अच्छी नहीं है या डाइजेशन अच्छा नहीं है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो ये डाइजेशन को अच्छा करने के कारण बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। ये माइल्ड लैक्सेटिव भी है, ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता है। अगर कॉन्स्टिपेशन होता है तो उसको ठीक करने में या प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। हरड, बहेड़ा और आंवला तीनों एंटीऑक्सीडेंट रिच है। इसमें बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट है। जो आंवला है उसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी है। तो कहीं ना कहीं एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट के कारण ये फ्री रेडिकल को कम करते हैं, और उसके कारण जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है या उसके कारण जो सेल इंजरी होती है, तो ये उनको प्रिवेंट करता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण भी शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, इसीलिए ये उन बीमारियों से बचने में भी हेल्प करता है। यानी कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। ये हेयर के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, या जैसे बाल जल्दी सफ़ेद होना या स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे बचने में भी ये हेल्प करता है। तो हेयर हेल्थ के लिए भी अच्छा है और हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ये विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। जैसे जो नज़र की प्रॉब्लम है प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा हैं, ओल्ड टाइम में नहीं होती थी, क्योंकि ओल्ड टाइम में बहुत सारे लोग नेचर से रिलेटेड जो कुछ प्रोडक्ट होते थे, आयुर्वेद से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट होते थे, उनको रेगुलर यूज़ करते थे, इसलिए नज़र से रिलेटेड प्रॉब्लम कम होती थी। पर आज की डेट में जो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ गई हैं। तो कहीं ना कहीं हम विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। ये वेट लॉस में भी हेल्प करता है। ये जो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होता है उसको प्रिवेंट करता है। अगर एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है, अगर इसका रेगुलर यूज़ करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा फैट को कम करने में भी हेल्प करता है। यानी कि वेट लॉस में भी इसका यूज़ है। अगर कोई और प्रोडक्ट भी हम लोग वेट लॉस के लिए लेते हैं, तो त्रिफला का यूज़ भी हम साथ में कर सकते हैं। ये बॉडी से बहुत सारे टॉक्सिन को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम थका सा महसूस करते हैं, फटीग की प्रॉब्लम उनको रहती है, या हर टाइम लेथार्जिक से रहते हैं। अगर त्रिफला का रेगुलर यूज़ किया जाए, त्रिफला का रेगुलर सेवन किया जाए, तो बॉडी में एक एनर्जी बनी रहती है और थकावट दूर होती है। अगर हम इसकी डोज़ के ऊपर बात करें, तो इसका एक कैप्सूल सुबह ले सकते हैं, एक कैप्सूल रात को ले सकते हैं, या 2 कैप्सूल बेड टाइम ले सकते हैं। अगर हम समराइज़ करें, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट के कारण ये फ्री रेडिकल को कम करता है, हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी आँखों के लिए, विजन के लिए या नज़र के लिए बहुत अच्छा है। सो इसको हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसे नित्य रसायन कहा गया है। सो थैंक यू वेरी मच।